इंदौर जिले अंतर्गत सांवेर के समीप बड़ोदिया खान गांव में एक छोटी सी लापरवाही परेशानी का सबब बन चुकी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले इस गांव में एक महिला की मौत हुई थी और जांच में वह महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन इस बात को अनदेखी कर महिला के परिवार वालों ने हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कई ग्रामीण शामिल भी हुए। अब इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस महकमा सतर्क हो गया है और प्रशासन द्वारा बड़ोदिया गांव को सील कर दिया गया है, लेकिन इन सभी के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि लोग नियमों को ताक पर रखकर लॉकडाउन की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं। बता दें गांव में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19 पर पहुंच गया है। की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके बाद उनके परिवार में जो थे वहाँ पे कुछ उन लोगों ने छोटा सा कुछ कार्यक्रम रख दिया था जिसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे और इसी कारण उस महिला के संपर्क में आने के कारण, क्योंकि वो इंदौर से आई थी तो उस महिला के संपर्क में आने के कारण ये सभी लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिसमें लगभग 19 लोग के आसपास 19 से 20 लोग हैं इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। सर एक बात और थी कि जितने लोगों की आज रिपोर्ट आई है इन लोगों को कहाँ पर क्वारंटाइन किया हुआ है? अभी जिनकी रिपोर्ट आई है कुछ लोग तो MRTB इंदौर में हैं, उसमें से 19 लोग तो MRTB इंदौर में हैं और दो लोग अपने यहाँ थे जो अपन ने कल यहाँ से भिजवा दिए हैं और बाईपास पे एक होटल में इनको रखवा दिया है, तो बाकी सारे की सारे लोगों को अपन ने यहाँ से क्वारंटाइन इंदौर कर दिया है। सर इसके बाद क्या लग रहा है कि क्षेत्र में कहीं और भी पॉजिटिव निकल सकते हैं या मिल सकते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की और पूरे समाज में जागरूकता की। साहब जिस प्रकार से ये घटना घटी है इसमें मैं मानता हूं कि स्वयं लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं भी हमें ये मान भीड़ नहीं लगानी चाहिए किसी प्रकार का कोई भी। जैसे हॉस्पिटल में ही अगर माना एक लोग आता है मरीज को दिखाने, उसके साथ में चार लोग आ जाते हैं, तो बिल्कुल हमें किसी भी प्रकार से अस्पताल में या किसी भी बैंक में या कहीं भी किसी भी जगह पर सोशल जगहों पर बिल्कुल भीड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि हमारा सांवेर बहुत शांत क्षेत्र था।